हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टूर एंड ट्रिप। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं नॉर्थ गोवा के टॉप 15 ऐसे रिसॉर्ट्स आपको बताने वाला हूं जो 4 स्टार हैं, ब्रांडेड हैं, यूजर रिव्यू काफी अच्छे हैं, सुविधाएं काफी अच्छी है, मार्केट के आसपास है और बीच के आसपास है, यानी कि बागा, कैलंगुट और कैंडोलिन बीच के 1 किलोमीटर के एरिया में है। और सबसे खास बात, इनका किराया 1 रात के लिए 3,000 से 5,000 की रेंज में है। दोस्तों मेरी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने साउथ गोवा के टॉप 15 ऐसे रिसॉर्ट्स बताए थे जो बिल्कुल बीच पे थे, पर उनकी कैटेगरी थोड़ी सी प्रीमियम थी। उनकी रेंज 1 रात के लिए 7,000 से लेकर 12-13,000 रुपए तक थी। पर इस वीडियो में मैं नॉर्थ गोवा के कुछ ऐसे रिसॉर्ट्स की लिस्ट लाया हूँ जो बजट फ्रेंडली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है तो मैं मोटिवेट होता रहता हूं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1 पे आता है स्टेला डोमार बीच रिसोर्ट। ये एक 4 स्टार रिसोर्ट है जो कलिंगुट बीच से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे 4 टाइप के रूम कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जिसमें अगर बेस कैटेगरी की बात करूं तो वो लगभग 4 से 5 हजार रुपए 1 रात के लिए आता है। इस रिसॉर्ट की खास बात यह है कि ये कलिंगुट बीच पे है और अगर आप नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो इस रिसॉर्ट के बाहर निकलते से ही आपको बीच पे बीच साइड ओपन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो लगभग रात भर ओपन रहते हैं। आप वहां पे मस्ती, डांस, फूड, ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है बागा हाइडआउट रिसॉर्ट। ये भी एक 4 स्टार रिसॉर्ट है जो बागा बीच से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज के रूम अवेलेबल हैं। अगर हम बेस कैटेगरी की बात करें तो वो लगभग 3,000 से 4,000 रुपए 1 रात के लिए आता है। इस रिसॉर्ट की खास बात यह है कि लग्जरी वुडन कॉटेज रूम प्रोवाइड करते हैं जो ठीक स्विमिंग पूल पर ही बने हुए हैं और 10-15 कदम चलने पर ही आप स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। इस रिसॉर्ट की एक और प्रॉपर्टी है बागा हाइडआउट प्रीमियर, जो बागा हाइडआउट से बिल्कुल कनेक्टेड है और ये इसलिए मशहूर है क्योंकि इसमें आप अपने रूम से ही स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे चाहे तो आप सेमी प्राइवेट पूल रूम भी कह सकते हैं। तो नंबर 3 पे आता है रॉनिल रिसॉर्ट। इस रिसॉर्ट को लेमन ट्रीज ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है, तो अब आपको ये रिसॉर्ट पहले से ज्यादा बेहतर सुविधाओं के साथ मिलेगा। ये भी एक 4 स्टार रिसॉर्ट है जो बागा बीच से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर 4 कैटेगरीज के रूम अवेलेबल हैं। अगर हम बेस कैटेगरी की बात करें तो वो लगभग 4,000 से 5,000 रुपए 1 रात के लिए आता है। और इस रिसॉर्ट की खास बात, टीटोस लेन जहाँ पे गोवा के मशहूर नाइट क्लब्स हैं, यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। तो नंबर 4 पे आता है होटल अमारा ग्रैंड बागा। ये एक 4 स्टार होटल है जो बागा बीच से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भी 4 टाइप के रूम्स अवेलेबल हैं। अगर बेस कैटेगरी की बात करें तो वो लगभग 3,000 से लेकर 4,000 के बीच 1 रात के लिए आ जाता है। इस होटल की खास बात यह है कि इसके रूम्स काफी बड़े हैं जो प्रीमियम फील देते हैं और साथ में बजट फ्रेंडली भी है। तो नंबर 5 पे आता है फोनिक्स पार्क इन बाय रेडिसन। ये एक 4 स्टार रिसॉर्ट है जो कैंडोलिम बीच से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भी 4 टाइप के रूम कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जिनका किराया अगर बेस कैटेगरी से स्टार्ट करें तो 4 से 5 हजार रुपए 1 रात के लिए आता है। इस रिसॉर्ट की खास बात, इसके ब्रांड नेम रेडिसन में ही झलकती है क्योंकि रेडिसन अपनी प्रॉपर्टी को प्रीमियम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ये रिसॉर्ट कैंडोलिम के आउटर एरिया में आता है, तो अगर आप शांति या सुकून का वातावरण चाहते हैं तो ये रिसॉर्ट आपके लिए बेस्ट है। फोर्ट अगोडा इस रिसॉर्ट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो नंबर 6 पे आता है सिंक बीच रिसॉर्ट। यह एक 4 स्टार रिसॉर्ट है जो कैलिंगुट बीच से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर भी 4 कैटेगरीज के रूम अवेलेबल हैं। अगर स्टार्टिंग कैटेगरी की बात करें तो वो लगभग 3,000 से लेकर 4,000 रुपए के बीच 1 रात के लिए आ जाता है। ये रिसॉर्ट काफी फेमस हैं क्योंकि गोवा में सिंक की आपको और भी कई प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं और चेन प्रॉपर्टीज हैं, होटल चेन है, इसलिए सुविधाएं भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है।
नंबर 7 पे आता है ब्लूम सूट्स। ये भी एक 4-स्टार रिसॉर्ट है जो कैलिंगुट बीच से लगभग 900 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको 5 कैटेगरीज के रूम मिल जाते हैं। अगर स्टार्टिंग कैटेगरी की बात करें तो वो लगभग 4,000 से 5,000 रुपए एक रात के लिए मिल जाता है। इस रिसॉर्ट की खास बात इसकी क्लीननेस और इसका कलर कॉम्बिनेशन है। इस रिसॉर्ट में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी सफेद दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि इस रिसॉर्ट में आपको सिर्फ व्हाइट और येलो कलर कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। तो नंबर 8 पे आता है आइबिस स्टाइल कैलिंगुट। ये भी एक 4-स्टार रिसॉर्ट है जो कैलिंगुट बीच से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे भी आपको 4 कैटेगरीज के रूम मिल जाते हैं। अगर स्टार्टिंग बेस कैटेगरी की बात करें तो वो लगभग 4 से 5 हजार रुपए एक रात के लिए आ जाता है। तो नंबर 9 पे आता है रिसॉर्ट टेरा परासियो बीच प्रॉपर्टी। ये भी एक 4-स्टार रिसॉर्ट है जो कैलिंगुट बीच से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे भी 3 कैटेगरीज के रूम अवेलेबल हैं। अगर स्टार्टिंग यानी बेस कैटेगरी के रूम की बात करें तो वो लगभग 4 से 5 हजार रुपए एक रात के लिए आ जाता है। तो नंबर 10 पे आता है सो माई रिसॉर्ट। ये भी एक 4-स्टार रिसॉर्ट है जो कैलिंगुट बीच से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज के रूम आपको मिल जाते हैं। अगर स्टार्टिंग यानी बेस कैटेगरी की बात करें तो वो लगभग 4 से 5 हजार रुपए एक रात के लिए आ जाता है। तो नंबर 11 पे आता है प्राइड सन विलेज रिसॉर्ट। ये एक 4-स्टार रिसॉर्ट है जो कैलिंगुट से लगभग 600 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आपको 2 कैटेगरीज के रूम मिल जाते हैं। अगर स्टार्टिंग यानी बेस कैटेगरी की बात करें तो वो लगभग 4 से 5 हजार रुपए एक रात के लिए आ जाता है। तो नंबर 12 पे आता है कैरियट प्रेस्टीज कैलिंगुट। ये एक 4-स्टार रिसॉर्ट है जो कैलिंगुट बीच से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज के रूम अवेलेबल हैं। अगर स्टार्टिंग यानी बेस कैटेगरी के रूम की बात करें तो वो लगभग 4,000 से 5,000 रुपए के बीच एक रात के लिए आता है। तो नंबर 13 पे आता है सिंक द पार्टी होटल। ये एक 4-स्टार रिसॉर्ट है जो कैंडोलिम बीच से लगभग 600 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आपको 2 कैटेगरीज के रूम मिल जाते हैं। अगर स्टार्टिंग यानी बेस कैटेगरी के रूम की बात करें तो वो लगभग 4,000 से 5,000 रुपए के बीच एक रात के लिए आता है। इस रिसॉर्ट की खास बात इसके नाम में ही झलकती है, सिंक द पार्टी होटल, क्योंकि इनके रिसॉर्ट में इनका खुद का प्राइवेट नाइट क्लब है जहाँ पे रात भर पार्टीज चलती हैं। तो अगर आप पार्टीज के शौकीन हैं या नाइट क्लब के शौकीन हैं तो ये रिसॉर्ट आपके लिए बेस्ट है। तो नंबर 14 पे आता है द असासिया होटल एंड स्पा। ये एक 4-स्टार रिसॉर्ट है जो कैंडोलिम बीच से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज के रूम अवेलेबल हैं। अगर स्टार्टिंग यानी बेस कैटेगरी की रूम की बात करूँ तो वो लगभग 4,000 से 5,000 रुपए एक रात के लिए आ जाता है। इस होटल की खास बात यह है कि ये कम पैसों में आपको काफी प्रीमियम चीजें, प्रीमियम सर्विसेज दे रहे हैं। इनके रूम्स भी काफी बड़े हैं।
तो नंबर 15 पे आता है एक्रॉन कैंडोलिम रेजिना। ये भी एक 4-स्टार रिसॉर्ट है जो कैंडोलिम बीच से लगभग 900 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज की रूम अवेलेबल हैं। अगर स्टार्टिंग यानी बेस कैटेगरी की रूम की बात करूँ तो वो लगभग 4000 से 5000 रुपए के बीच एक रात के लिए आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।